मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए, उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। सदन के अंदर सदस्यों का हाथ उठाएगा, ये सदन की अवमानना आ रही है। माननीय सदस्य, किसी भी सदस्य का अधिकार नहीं है। कोई फर्क हमको नहीं पड़ने वाला, हम बिहार की जनता के लिए आवाज उठाते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में सियासी सरगर्मी बेहद तेज है। वो तेज इसलिए भी है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष पर हमला कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को भी घेरा है। सदन में तारकिशोर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच बड़ी तीखी नोकझोंक हुई है। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने तारकिशोर प्रसाद को यह तक कह दिया सदन में कि बैठ जाइए। वही बदले में, उनके जवाब में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर हुए, उन पर भी निशाना साधा। क्या कुछ हुआ सदन में, किस तरह दोनों के बीच तीखी बहस हुई, देखिए आप इस वीडियो में। देखिए महोदय, हमने तो कल भी बोला था, सच को कितना भी दबाया जाए, परेशान किया जाए, लेकिन सच देर सवेर सामने आता ही कोई आपके प्रोसीडिंग से हटाने ना हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की 12 करोड़ की जनता ने अपने आंखों से कारनामे देखे, रात के अंधेरे में, लगे हर बात पे उठ ले। मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए, उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। ये आसन का अपमान है। अगर आसन कह रहा है कि अगर यह आपत्तिजनक शब्द है तो उसको हटा दिया जाएगा, और नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर बोल रहे हैं कि हटाया ना हटाया तो फर्क नहीं पड़ता, तो आखिर इस तरह से कैसे सदन चलेगा। और पहली बात, दूसरी बात, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने एक विशेष सवाल पर हाथ उठवाने का काम किया अपने सदस्यों से, क्या उनको यह अधिकार है कि सदन के अंदर सदस्यों से हाथ उठाएगा? यह सदन की अवमानना आ रही है। माननीय सदस्य, किसी भी सदस्य का अधिकार नहीं है कि अपने सारे सदस्यों को हाथ उठावे और गिरावे। यह सदन की परंपरा नहीं रही है, ये गलत है। कोई नहीं रहेगा इनके नहीं है, यह कहकर इस पर ताला नहीं जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि आगे ध्यान फर्क नहीं पड़ता है, तो इनको आसन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इस तरह से आसन का अपमान करते रहेंगे तो यह सदन चलाने से क्या फायदा है? तो सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के बीच कुछ इस तरह सदन में तीखी नोकझोंक हो गई। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशन न्यूज को। धन्यवाद।